सभी साथियों को प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय शंकर की। स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महामंडलेश्वर, संस्थापक कृष्णन गौशाला, ये नजीबाबाद के पास है और स्वामी जियों के अथक प्रयास से कम 4-5 हज़ार के करीब गोधन हैं जिनकी सेवा स्वामी जी कर रहे हैं। और इधर जो है प्लांट लगाया है सीएनजी का, जिससे जो भी आए हो उससे गौं का चलता रहे। तो स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी जय भोलेनाथ, हरिओम। जय भोलेनाथ। और अभी स्वामी जियों के शिष्य जो इधर इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं उनका अभी इंटरव्यू लेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर की। ये प्लांट काफ़ी बड़े विस्तार से बना गया है। स्वामी जी तीन गौशाला इधर ही जो स्वामी जी चला रहे हैं उनका सभी का गोबर वगैरह गौमूत्र सब इधर आता है, जिससे जो है ये प्लांट में सीएनजी तैयार होती है। स्वामी जी आपका शुभ नाम। हरिओम। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं अनंतानंद, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी का कृपा पात्र और उन्हीं के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ की व्यवस्था संभालने का, उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से मुझे मिला है। और जो पीछे आप डाइजेस्टर देख रहे हैं ये 1600 क्यूबिक मीटर का है, जो भारत में सर्वप्रथम बायो सीएनजी यूनिट है ये। और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 400 किलो बायो सीबीजी सीएनजी हम यहाँ पे बना सकते हैं, और महीने का लगभग 400 टन बायो इनरिच या वर्मी कंपोस्ट या प्रोम खाद तीनों मिला के यहाँ पे बनाने की क्षमता है जी। जो भारत के विभिन्न राज्यों में यहाँ से हम भेजते हैं। और जो लिक्विड स्लरी है वो भी आप आगे आते जाइए तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। लिक्विड स्लरी आसपास के गांवों में हम यहाँ पे लगभग निःशुल्क जैसे मूल्यों पे वितरित करते हैं, जिसकी आर्थिक क्षमता अगर अच्छी नहीं है तो उसको हम निःशुल्क भी देते हैं, ताकि लोग जो वैदिक तरीके से जो खेती होती है उसकी ओर आकर्षित हो और उस ओर चले। अभी पीछे ही यहाँ पे एक पड़ोसी जो खेती करता है, तो यहाँ आसपास में जो डीएपी यूरिया से खेती करते थे गन्ना उत्पादक जो कृषि में लगे हुए थे, वो उनका 350 से 400 क्विंटल होता था, लेकिन 400 से 500 क्विंटल के आसपास में उसकी उत्पादन हो रही है। और यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक और किसान है जो गेहूं की खेती करते हैं, तो मूलतः 16 से 20 क्विंटल उत्पादन होता है, लेकिन उसकी खेत पे 23 क्विंटल की उत्पादन हुई। तो जो ये लोगों के मन में भावना है कि देसी खाद से उत्पादन कम होगी, यह उनका भ्रम है, जबकि देसी खाद से भूमि की उर्वरक क्षमता जो है उसमें निरंतर वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ती है। आप आगे आते जाइए, मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक से। ये आप जो देख रहे हैं जी, ये स्प्रेडर है, ये गोबर का फर्स्ट स्टेज है जी। यहाँ पे गोबर को हम घोलते हैं और उसके बाद घोलने के बाद फिर मड पंप से या स्टरर पंप से हम ये जो डाइजेस्टर आपको दिख रहा है जो 1600 क्यूबिक मीटर है, इसके अंदर हम फिल करते फीड करते हैं। उसके बाद आज जो हमने गोबर डाला वो 3 महीने के बाद में लिक्विड स्लरी के रूप में हमें मिलती है, जो आप टैंकर में भर के आसपास के किसान जो है जो पानी के साथ में उसका उपयोग कर सकते हैं जी जी। और आज जो हमने गैस फीडिंग की है वो हमें एक दिन छोड़ के तीसरे दिन हमें यहाँ पे गैस मिल जाएगी। जो आप देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम, ये स्क्रबर वगैरह लगा हुआ है, ये पैनल बोर्ड वगैरह लगा है जी। जो रफ गैस आती है उसको हम विभिन्न प्रकार से हम उसकी प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें CO2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में हम उड़ा देते हैं, और सिर्फ मीथेन गैस उसको हम लेते हैं। और ये जो आप आगे देख रहे हैं कंप्रेसर, यह कंप्रेसर के माध्यम से हम यह जो गैस्किड है कैस्किड, इसमें हम फिल करते हैं 150 बार में, और लगभग हम 300 किलो
इसमें हम फीड कर सकते हैं। तो ये कंप्रेसर है महाराज जी? जी जी, ये कंप्रेसर है। जी जी, इस कंप्रेसर से सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सीबीजी है तो कंप्रेस बायोगैस। तो ये कंप्रेस करके शक्ति लगा के इसको हम गैस को, वो जो गैसकिड है इसमें हम फीड करते हैं जी। और ये आसपास में जो इंडस्ट्रियल उपयोग उपयोग में हम इसको लेते हैं, जो फर्नेस वगैरह जलता है। और भविष्य में हमारी योजना है कि गाड़ियों में भी हम इस ईंधन का उपयोग करें, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी भी ऐसा कह रहे थे, अभी मैंने इंटरव्यू में उनका देखा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जितने भी रेट है, जैसे पेट्रोल डीजल, इनका जो मूल्य दिनों दिन बढ़ता है, उससे सभी त्रस्त है। तो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए हमें सीबीजी या सोलर या इलेक्ट्रिसिटी, इसकी तरफ हमें आना ही पड़ेगा। और ये प्रदूषण भी इससे कम फैलेगा, और हमारा देश का पैसा, लोकल फॉर वोकल, देश का पैसा देश में ही रहे, और वेस्ट को हम दी बेस्ट बना के समाज के आगे एक प्रेरणा और मार्गदर्शन, पूज्य महामंडलेश्वर जी, पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार, हम पूरे भारत में इस तरह के कई लोग यहाँ से देखकर प्रेरित हुए हैं, और दर्जनों लोग काम शुरू कर दिए हैं, और कई लोग इस पे कार्य कर भी रहे हैं। तो यही हमारी एक उपलब्धि है। बहुत बहुत अच्छा बताया स्वामी जी अनंतानंद जी ने। और अभी स्वामी जी जो है बहुत ही इनके अथक प्रयास से श्री कृष्णायन देसी जो गौ रक्षाशाला है इसका संचालन हो रहा है, और स्वामी जी बड़े अथक प्रयासों से गौओं की सेवा में जुटे हुए हैं। स्वामी जी, ये जो स्वामी जी को विचार इसके बारे में आया कि इससे जो है गौशाला को और कुछ मिल सकता है इसके उत्थान में, तो ये विचार स्वामी जी कब आया आपको? मैं बताऊं? जी जी जी, आपके ये श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला की स्थापना 6 मई 2011 को हुई थी। श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला का जो ये प्रकल्प आप देख रहे हैं, बायोगैस सीएनजी प्लांट का, गाय के ऊपर, केवल दूध के ऊपर लोग निर्भर रहने वाले लोग जी, ये समझते हैं कि गाय में केवल दूध ही है जी, और गाय दूध नहीं दे तो किसी काम की नहीं है। तो हम लोग के मन में एक भाव आया कि गाय के गोबर और गौमूत्र में गंगा और लक्ष्मी का निवास है, तो हमारे शास्त्रों ने जो बात कही है उसको प्रैक्टिकल आज के आधुनिक लोगों को बताने के लिए कि वास्तविक में गाय का दूध देना तो धर्म है, वो तो स्वाभाविक देगी, चाहे आप उसको कोई भी चीज़ खिलाइए जी, वो तो दूध देगी ही देगी। लेकिन गाय के गौमूत्र और गोबर से क्या समाज हित में कार्य हो सकता है? आज पूरा देश यूरिया खाद को लेकर के, रासायनिक खादों को लेकर के जिस तरह से किसान अपनी खेती को बंजर बनाते जा रहे हैं तत्कालिक लाभ के लिए, अधिक उपज मिलेगा, इस सोच से हमारी तमाम खेतियां जो है तत्काल उपज मिल जाता है, लेकिन खेत की उर्वरा शक्ति जिस तरह से नष्ट हो रही है और यूरिया के लिए किसान जगह जगह लाइन लगाए रहते हैं, कई राज्यों में स्थिति आती है बार बार, तो क्यों ना अपनी जो संस्कृति है और अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, हमारी खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो हमेशा बनी रहे और शुद्ध अन्न हमें प्राप्त हो, तो हम लोगों ने विचार आया हमारे सभी संतों को कि एक ऐसा हम लोग कार्य करें जो गाय को लोग उपेक्षित और समझते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र बेकार है, उसको सिद्ध कैसे किया जाए जी। तो उसी को देखते हुए ये प्लांट का निर्माण किया गया, जिससे कि किसान, अभी हमारे अनंतानंद जी यहाँ सारी व्यवस्था देखते हैं,
सारा आप जो भी उत्पाद देख रहे हैं जी जी, जी। काफ़ी इनको अनुभव है जी स्वामी, और जब से आप इस प्लांट को देख रहे हैं तब से काफ़ी इसमें सुधार भी इन्होंने किया जी। तो किसान को एक शुद्ध अन्न मिले, खेती की उर्वरा शक्ति बची रहे, किसान गाय की महत्ता को समझे, इसलिए ये पहल किया गया। आज जो हमारे यहाँ खाद बनती है वो हम लोग व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, गाय के महत्व को लोग समझें, किसान आत्मनिर्भर हो, गायों को सड़कों पर न छोड़े, गाय के गोबर गोमूत्र का महत्व को समझे, इसलिए इस प्लांट का निर्माण हुआ। आज बायो सीएनजी गैस का भी उत्पादन हो रहा है, और इस प्लांट को देखने के लिए लगभग कई प्रदेश से लोग आए, कई प्रदेश के खाद्य मंत्री भी आए, सिंचाई मंत्री भी आए, और यहाँ तक कि अभी गाय के गोबर गोमूत्र की बात अभी दो एक हफ्ता पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई गाय की महत्ता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। खाद से गांव की समृद्धि हो जाए, शुद्ध खाद मिले, और इससे एक गांव को रोशनी भी आप दे सकते हैं, शुद्ध गैस भी दे सकते हैं। तो हम लोग का एक प्रयास है कि सब लोग इस मॉडल को अपनाएं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वास्तविक में गाय की रक्षा करनी है, सरकारों को अगर देनी है जैविक खेती की बात, तो गौशालाओं के गाय के गोबर गोमूत्र का सरकार भी सब्सिडी दे, खरीदे, और जैविक खेती का प्रोत्साहन केवल कहने से नहीं होगा, गौशालाओं के ऐसे प्रोजेक्टों को, केवल यही नहीं क्योंकि पूरी देश की गौशालाओं को हम लोग अपना गाय माता को मानते हैं कि हमारी गाय माता है, सारी गौशालाएँ हमारी है, तो गौशालाएँ भी आत्मनिर्भर हो, गाय किसी पर आश्रित न हो, गाय के गोबर गोमूत्र से देश की समृद्धि हो, इसलिए हम लोग का ही अथक प्रयास। आपको बारम्बार धन्यवाद। स्वामी जी ने अपने विचार इस प्रकल्प के बारे में बताया, स्वामी जी का बारम्बार धन्यवाद। जय भोलेनाथ। अरे ओम, आप लोग पधारे इसके लिए।